अपने चैनल रिज़ीरो 522 व्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ गाइज। हाँ, दो दिन से मैंने व्लॉग नहीं बनाया। आप लोग कह रहे होंगे आप कंटिन्यू नहीं रहती, बीच में गायब हो ही जाती हैं। तो गाइज़ दो दिन के लिए मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मतलब हर महीने की प्रॉब्लम आप समझ सकते हो। और मेरी तबीयत, मतलब हर लड़की की तबीयत इतनी ख़राब होती है, तो उस टाइम पे मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान चाहेगा कि बेड से उठ के कैमरा चालू करके व्लॉगिंग करे या ऐसा कुछ। तो सेम मेरे साथ, तो दो दिन मेरा बिल्कुल मन नहीं किया, तो तबीयत ख़राब थी। तो आज है, आज कितनी तारीख है यार, मुझे याद भी नहीं आज कितनी तारीख है। तो गाइज़ आज मतलब दशहरा का दूसरा दिन है, तो दशहरे की भी विशेष मैं आपको दे नहीं पाई थी। खैर, अब तो एडवांस में आने वाला करवा चौथ, तो आप सबको करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं, जो भी लेडीज़ हैं उनको। और मैं करवा चौथ के लिए जल्द ही रील्स शूट करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने साड़ी भी मंगवाई, जबकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं होती है। बट मुझे, मैंने कहा कि चलो शूट करना है, एज एन इन्फ्लुएंसर मुझे हर चीज़ का शूट करना होता है, तो मैं करवा चौथ का भी शूट करूँगी। तो रात के टाइम ही शूट का प्लान है, तो देखो कब करती हूँ। आज तो तबीयत मतलब थोड़ी थोड़ी ठीक हो गई है। अब ये है कि कल का प्लान कर रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं आयुष के, तो फिर वो मेरी वीडियो शूट नहीं कर पाएगा, फिर उसका पढ़ाई में ध्यान रहेगा। तो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ। गुड मॉर्निंग, सुबह के 10 बजने वाले हैं। और आज मम्मी की नाइटी पहन ली, क्योंकि कंफर्टेबल रहती हूँ तो इसलिए मम्मी की नाइटी पहन ली। और आर्यन आयुष स्कूल चले गए हैं, तो आयुष तो सीधे शाम को आएगा और आर्यन आएगा 4 बजे। तो चलो, अब हो चुकी है सुबह और नहा धो ली मैं, अब बाल सुखा लूँ, बाल खींच लूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ नाश्ता वास्ता बनाने के बाद। बाय। सुखाने के बाद और सब्ज़ी काटने के बाद मैं आ गई किचन में, और सब्ज़ी मैंने छौंक दी है। आज है गाइस एकादशी और चावल बनेगा नहीं, तो इस वजह से मैंने कहा सब्ज़ी अभी बना लेती हूँ। तो मैंने सब्ज़ी बना दी, लोबिया की सब्ज़ी, ढक दी है, पक रही है। खाली लोबिया बनाया, आलू है नहीं, और आलू खा खा के बोर भी हो गए हैं यार। आलू के पराठे कल रात बने थे, तो वही सब। और अभी भी जब मैं खाने जा रही हूँ, तो थोड़ा सा आलू का सब्ज़ी रखा हुआ है, तो मैं पराठा बनाऊँगी अपने लिए, एक पराठा बनाऊँगी, क्योंकि वो लोग 4 बजे तक आएँगे और अभी 11:30-12 का टाइम है। तो चलो कर लेते हैं, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं है कि सारा काम मेरे को ऐसा लगा चक्कर सा आ रहा है मुझे, मतलब बहुत अजीब सा फील हो रहा है। तो मैं जा रही हूँ बस अपने लिए बना के फटाक से खा के, फिर थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद तो देखते क्या करते हैं। ये सब्जी पराठा रेडी है, मैंने अपने लिए एक ही पराठा बनाया, क्योंकि सब्जी भी ज़्यादा थी नहीं ना, तो मैंने इतना ही बनाया। चलो गाइस खाते हैं, आपको भी नाश्ता करना है तो आप आ सकते हो, फिर मत कहना मैंने पूछा नहीं। चलो कर लेते, फिर मिलते हैं आप। नाश्ता करने के बाद मैंने कहा था आपसे मैं आराम करूँगी थोड़ी देर, मैं आराम ही कर रही थी। और आजकल मैं आपको बताना भूल गई, आजकल एक नया शौक क्या चढ़ा, टीवी भी है नहीं घर में, और कुछ मन करता है थोड़ा बहुत देखने का तो मोबाइल ही एक सहारा रहता है। तो कुछ ऐसी मूवीज़, कुछ ऐसी 90s की मूवीज़ जो रिलीज़ हुई लेकिन कभी टीवी पे नहीं आई, तो कभी कभी मैं देख लेती हूँ जब मेरा मन करता है देखने का। तो मैं ऐसी कोई मूवी देख रही थी, बहुत अच्छी मूवी थी, बस लास्ट में थोड़ा सैड था तो बुरा लगा, बस ऐसे ही थोड़ा सा देख रही थी। तो ऐसे तो आपके कुछ कमेंट्स आए थे, जो कि मैंने लास्ट व्लॉग कन्या पूजा वाला, और मैं एक हिस्टोरिकल प्लेस पे शूट करने के लिए गई थी, वहीं का था। तो हिस्टोरिकल प्लेस पे वैसे तो देखिए पूरी दुनिया में हर जगह लोग शूट करते हैं, ठीक है। मैं बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रख के शूट करती हूँ, कि कभी कोई कुछ कह ना दे, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मैं पूछ लेती हूँ कोई भी दिक्कत हो। तो वैसे तो मैंने व्लॉग शूट किए थे और एक दो रील, दो तीन शूट की थी, तो उनको ऐसा लगा कि क्या शूट कर रही है। तो उन्होंने बोला वीडियो वगैरह बनाए, तो मैंने कहा हाँ मतलब व्लॉग वगैरह बनाया है। तो उन्होंने बोला कि हाँ आप दिखा दो, तो देख लिया, उनको कोई इशू नहीं था। फिर मुझे ऐसा लगता है ऐसी भी कोई बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर शूट ना किया जा सके। आजकल पूरी दुनिया में हर जगह लोग शूट करते हैं, वो बात अलग है, कहीं कहीं पर पैसे की बात आ जाती है। तो नवाबों का शहर, यस। तो किसी ने बोला था आपने कन्या पूजा बहुत सस्ते में निपटा दी,
तो देखिए सस्ते मद्दे की तो हम बात यहाँ पे ना ही करें तो अच्छा है। ठीक है, पूजा पूजा होती है और जितनी जिसकी औकात होती है, जितना जिसका होता है वो अपने हिसाब से करता है। और हमारे यहाँ सालों से दही जलेबी ही खिलाया जा रहा। अब आप कहेंगे पूड़ी हलवा चना खिलाया जाता, हाँ खिलाया जाता, बट हमारे यहाँ बहुत टाइम से जब से हो रहा दही जलेबी। और फिर मेरे मम्मी के पास इतना टाइम होता नहीं है, वो बस जल्दी 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 करके खिला के, मतलब खिला के चली जाती है। और आप जानते हैं उस दिन कन्या मिलने में बहुत पॉसिबल बहुत दिक्कत होती है। तो हमने वैसे भी कुछ सोचा है कि अगर इतनी ही प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग कुछ और मैनेज करके और नेक्स्ट टाइम से वो करेंगे। ठीक है, मेरे मम्मी के पास टाइम नहीं होता, उनको काम पे जाना ही जाना होता है। मेरे मम्मी पापा दोनों ही थे, वो काम को लेके इतना मतलब थे कि उन्हें उन्हें फेस्टिवल से भी मतलब नहीं पड़ता था, वो फेस्टिवल के दिन भी काम करते थे। ऐसा नहीं है कि मतलब घर में फेस्टिवल मनाया नहीं जाता था या ऐसा कुछ है, लेकिन वो फिर भी काम करके आधे टाइम से या आधे टाइम से फेस्टिवल मनाया जा सकता है। क्योंकि मतलब मेरी भी सोच यही है, मेरे मम्मी पापा की भी सोच यही है कि कर्म ही पूजा है, काम करते रहो, क्योंकि काम के बिना पैसे के बिना तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से मेरी मम्मी काम करती हैं, वो काम छोड़ के बैठ जाएंगी तो शायद मेरे घर का खर्चा चलाने कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे सस्ते बंदे की तो कोई बात ही नहीं हुई। और सॉरी गाइस अगर मैं थोड़ा आपको लग रही हूँ कहीं से भी कुछ भी, एक्चुअली थोड़ा सा मूड अपसेट है तो बस ऐसे ही, तो मैंने सोचा इस पे जवाब देना चाहिए। हाय रितु जी, कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? आप बताओ, क्यूट लग रही हो, थैंक यू। और बस यही आपके कमेंट थे जो मैंने सोचा रिप्लाई देना दे देती हूँ, वैसे भी बहुत टाइम से दे नहीं पा रही थी। और मैं वैसे तो कोई भी ऐसी लोकेशन पे जाती नहीं हूँ, लेकिन जब मुझे कोई नई लोकेशन पता चल जाती तो मैं जाती हूँ। तो मैं सोचती हूँ आपको भी दिखा दूँ थोड़ा सा न्यू लोकेशन के बारे में। और मेरी हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल जज मत करना, क्योंकि मुझे हिस्ट्री के बारे में उतना नॉलेज नहीं है। जितना जैसा नॉलेज मिल पाता है वो सब मैं आपको बताती हूँ और दिखाने की कोशिश करती हूँ। और बस इतना ही कहना चाहूँगी, तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ सही से बस। हाँ, मेरा मन था ब्लॉग बनाने का तो मैंने ब्लॉग बना लिया। अब आर्यन आएगा 4 बजे तक, लोबिया की सब्जी हमने बना दी है। आई नो, मैं मेरी फैमिली को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो सब्जी जो आई है वो सिर्फ मेरे और मम्मी के लिए आई है। वो लोबिया खाएगा नहीं, कोई ऑप्शन बचता नहीं है। रोटी सेक लूँगी, दूध रोटी खाना होगा तो वो खा लेगा अपना, मैं तो सब्जी खा ही लूँगी ना। चलो गाइस मिलते हैं आपको थोड़ी देर में आर्यन के आने के बाद। जैसे कि मैंने आपको बाहर बताया था, लोबिया की सब्जी रोटी, और रोटी खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, आज एकादशी जो है, तो चलो रोटी सब्जी खाते हैं। पता नहीं रात को भी रोटी ही खानी पड़ेगी, तो मैं रात को खानी नहीं खाऊंगी। तो चलो गाइस खाना खाते हैं, आपको खाना तो आप आ सकते हो। कैसे आओगे आप लोग? आप लोग महसूस कर सकते हो कि साइकिल खराब हो गई थी, मतलब पंचर हो गए थे, तो आज वो ऑटो से गया था, वो आ गया। मैंने तुमको देख लिया था, हमने कहा साइकिल खराब। तो गाइस ये इंसान आया है और ये इंसान खाने के बाद, मतलब आने के बाद खाना नहीं खा रहा है और मोबाइल चला रहा है। देख रहे हैं आप, जो मैं कहती हूँ वो सच होता। अब मैं जा रही हूँ बर्तन धोने, फिर आज पेड़ों को पानी देना, आधे तुम आधे हम। ठीक, आधे पता है आती है बहुत है, आधे जब पूगे दे दो तब कहती चला मुझे वो भी दे दो। अच्छा देख रहे गाइस, देखे इसका मुंह बनाता हुआ, देखो कितना इसके मुंह बनता है, वो सच नहीं होता बात, देखो बना लिया हम तो चल। नहीं जो बात है, जो तुमने अभी बात जैसे तेवर में कही वैसे ही तेवर में रिकॉर्ड हुई है। तो सच है, वो सच है। वो सच है क्या? आधे पेड़ तुम दे दोगे आधे हम दे देंगे, कोई दुख तबीयत नहीं, ठीक है, इसीलिए कहते हैं देते हैं। ज्यादा ना बोलो, ज्ञान दे रहे, बर्तन तो हम ही धुलने जा रहे ना। हमने खाने में मतलब नाश्ते में बनाया पास्ता, वो भी इतना कम, मतलब इतना कम क्या, पहली बार मैं इतना कम पास्ता खा रही हूँ, वरना थोड़ा ज़्यादा खाती हूँ। सो गाइस चलो, आपको खाना है तो आप आ सकते हो, फिर चलेंगे हम छत पे, थोड़ा सा छत पे जाएंगे। तो गाइस देखिए दिन और रात कैसे बदलने लगे हैं, अभी 5:30 हुआ है, मतलब 6 बजने वाला होगा, लेकिन देखो अंधेरा कैसे हो गया। और पेड़ों को पानी मैं दे गई थी, उजाले में ही दे देती हूँ क्योंकि अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। ये देखो
मतलब मौसम इस तरीके से चेंज होने लगा, तो सुबह के टाइम थोड़ा ठंडा भी लगने लगा है। और हाँ मतलब मौसम चेंज हो गया है काफ़ी हद तक। और वो देखो चंदा मामा निकले, और कल मुझे शूट करना है, शूट करने के टाइम निकला है, बस मज़ा आ जाएगा। सो गाइज, मैंने कहा आपको दिखाती हूँ कि देखो मैं अपनी एलर्जी पे कैसे दवाई लगा रही हूँ। अब मैं क्या कहूँ कि जब मैं दवाई लेने गई थी तो काफ़ी लोग इसी प्रॉब्लम से जूझते हुए आए थे, और डॉक्टर ने मतलब बलरामपुर एक सरकारी हॉस्पिटल है तो वहाँ फ्री में चीज़ें मिलती हैं, तो कभी मैंने कभी फ़ायदा करती हैं कभी फ़ायदा नहीं करती। तो वहाँ पे एक लेडी थी, उनके बारे में बात हो रही थी कि फ़ायदा नहीं हो रहा फ़ायदा नहीं हो रहा, तो लाइक उन्होंने बोला अगर फ़ायदा नहीं हो रहा तो यहाँ पे तो यही दवाई मिलेगी, और अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा तो जाहिर सी बात है आप पैसे दे के चीज़ें करवाओ। एक्चुअली ये बात सही भी है, देखो ये वाली दवाई मैं यूज़ कर रही हूँ, दो 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 ऐसे ट्यूब दिए हैं मुझे लगाने के लिए, होप सो एक ही में सही हो जाए। तो मुझे समझ में नहीं आता आजकल लोगों को कैसी कैसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और ये सारी प्रॉब्लम्स एक ही चीज़ से हैं, हमारा खाना पीना, हमारी चीज़ें, हमारा सब कुछ चेंज हो रहा है, इतनी मिलावट, इतनी सारी चीज़ें, कुछ भी नेचुरल नहीं रह गया। और जब कुछ नेचुरल नहीं रह गया तो वो हमारे स्किन को बर्बाद करा, कहीं ना कहीं स्किन में हमारे प्रॉब्लम हो जाती, शरीर में प्रॉब्लम हो जाती, कहीं कुछ कमी, कहीं कहीं कुछ कमी लगी ही रहती। यार मेरे साथ तो बहुत लगी रहती, आपको मैं एकदम फिट एंड फाइन दिखती हूँ, एकदम लगता होगा कि यार क्या ही बॉडी में कमी है। क्योंकि एक लोगों ने मुझे सजेशन दिया ना कि तुम स्लिम हो जाओ, थोड़ा सा डाइटिंग वाइटिंग करो, ये करो, तो देखो बहन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मुझे डाइटिंग की ज़रूरत है कि मैं खाना पीना छोड़ के बैठ जाऊँ। अगर मैं वो सब छोड़ के बैठ गई ना तो जो मैं घर का नॉर्मली काम भी अभी कर पा रही हूँ, पहले मैं जितनी हिम्मत होती थी ना पूरे घर की सफाई मैं अकेले कर डालती थी, बट अभी मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं अपने दिवाली में घर की सफाई अकेले करूँ। पता नहीं क्यों भारी भारी सा फील हो रहा कि नहीं यार दो मंजिल की सफाई मैं अकेले नहीं कर पाऊँगी, इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। अब क्यों ऐसा मुझे फील हो रहा है ये तो भगवान ही जाने, बट नहीं तो मुझे नहीं लगता कि मुझे डाइटिंग की ज़रूरत है, मुझे खाना पीना छोड़ने की ज़रूरत है। हाँ हाँ मुझे अगर जिस लाइन में मैं जाना चाहती हूँ अगर मुझ में एक अच्छा मौका मिल रहा है, चांस मिल जाएगा, तो मतलब जाहिर सी बात है तब तो इंसान डाइटिंग भी करेगा, सब कुछ छोड़ देगा। लेकिन अभी मुझे लगता है अभी ऐसा कोई मौका है नहीं, ऐसी कोई चीज़ें आ नहीं रही है मेरे पास ना ही कोई, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी डाइटिंग की ज़रूरत है या मुझे और पतला होने की ज़रूरत है। जो मैं इतनी पतली हो जाऊँ कि मैं कपड़े जो स्मॉल साइज मंगाती हूँ उससे भी डाउन मुझे कपड़े मंगवाने पड़े, तो मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। और खाती मैं अपने मम्मी पापा का हूँ, खाती मैं अपनी फैमिली में ही हूँ, तो मुझे नहीं लगता उस चीज़ से किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। हाँ मुझे जब लगेगा कि हाँ मुझे होना चाहिए तो मैं ज़रूर हो जाऊँगी, तो बस इसी वजह से देखो लगा के घूमती हूँ। दिन में एक बार लगानी है तो मैं रात के टाइम लगाती हूँ, क्योंकि दिन भर मुझे कभी तैयार होना पड़ता है कभी कुछ, तो जब स्किन पे कुछ ना हो तब इसको यूज़ करो तो बेटर रहता है। तो चलो गाइज यही मैं आपको बताना चाहती थी, आपके साथ शेयर करना चाहती थी, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। ये तो है तुम फ़ोन में ही लगे रहते हो, ये कलुआ कलुआ ज़्यादा हो रहा है आजकल, ये धूप में ज़्यादा दौड़ रहा है। इस आज के ब्लॉग को फिर इसी जगह पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। क्योंकि अभी खाने के लिए तो वही खाना खाना है, तो मम्मी आने वाली है बस, और मैं आपको साड़ी दिखाने वाली थी अभी, अब मैं कल शूट करूँगी तो कल ही आपको दिखाऊँगी। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट में बताना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर नए हो। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय बाबा की।